पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां 55 दिन से फरार चल रहा था। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की महिलाओं ने उस पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। शाहजहां का इलाके में एक खौफ होने की शिकायतें आई हैं। उस पर जमीनों पर कब्जे और गुंडाई करने के भी आरोप लगे हैं। शाहजहां सालों पहले बांग्लादेश से संदेश खाली आया था और यहाँ ईंट भट्टा पर मजदूरी करने के साथ ही जीवन यापन बिताने लगा। कुछ ही समय में यहाँ का वो डॉन बन गया और अकूत संपत्ति जुटा ली। अब जान लेते हैं कि शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा आखिरकार क्यों कसा गया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आगा की भी संलिप्तता सामने आई है। इस सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची, तो उसके गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। 200 से ज्यादा लोगों ने अधिकारियों पर और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। टीएमसी के दिग्गज नेताओं से शाहजहां की नजदीकियां बढ़ी और उत्तर 24 परगना के बड़े नेता ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों में वो गिना जाने लगा था। वर्तमान में वो संदेश खाली टीएमसी इकाई का अध्यक्ष है। टीएमसी में उसका राजनीतिक कद तब और बढ़ गया जब उसने पिछले साल जिला परिषद की सीट हासिल कर ली। शाहजहां शेख का रसूख के साथ साथ संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती गई। एक खबर के मुताबिक उसके पास 17 कारें, 43 बीघा जमीन और करीब 2 करोड़ के जेवर और करीब 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रकम भी बहुत कम बताई गई है। शाहजहां के पास इससे बहुत ज्यादा पैसा है और संपत्ति भी। शाहजहां के कई करीबी हैं, उसके साथ ही कई स्थानीय गुर्गे भी उसके इस काम में शामिल हैं। साल 2004 में शाहजहां ने राजनीति में एंट्री ली और माकपा में शामिल हो गया। कहते हैं कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां ने स्थानीय लोगों के खेतों और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बताते चले कि संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और जबरदस्ती यौन शोषण करने का आरोप लगाया। शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में 1 महीने से ज्यादा समय से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद सरकार दबाव में आई और अब उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। टाइम्स नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।